गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विथ द वीडियो सीरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हाउ एंड व्हाई पार्ट 7। इसके पहले पार्ट 6 में हमने टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट को समझा, और उसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स को देखा जिनमें कैन मेनली हमने समझा। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट टेंस को लगभग फिनिश करने जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के फाइनल और लास्ट टाइप को आज समझेंगे। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स को और उनके दूसरे फॉर्म्स और उनके यूजेस को समझेंगे। हमने बात की थी सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के बारे में, जिसमें रूटीनल सेंटेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमने कॉन्टिन्यूस को पढ़ा, जिसमें काम का जारी होना यानी चलता हुआ होना पाया जाता है। उसके बाद हमने परफेक्ट को पढ़ा, जिसमें एक टाइम स्पेसिफिक टाइम में काम का कंप्लीट हो जाना बताया जाता है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों ही टाइप्स का मिक्सचर होता है, एक परफेक्ट मिक्सचर। यानी कॉन्टिन्यूस की तरह इसमें भी काम चल रहा होता है और परफेक्ट की तरह कुछ हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका होता है। जैसे हम सेंटेंसेस को कुछ परफेक्ट में इस तरह बनाते थे कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, या मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी मेट हिम। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते थे। और कंटिन्यूस में हमारे सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते थे, जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, या मैं उससे आज मिल रहा हूं, टुडे आई एम गोइंग टू मीट हिम, या आई एम मीटिंग हिम। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे कंटिन्यूस में होते थे। यहां पर परफेक्ट और कंटिन्यूस के मिक्सचर में कोई भी काम जो बहुत समय से चल रहा है, अभी तक कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है और अभी भी जारी है, यानी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, ऐसी चीज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आती है। और उसके सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चाहिए होते हैं। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यहां यूज नहीं किया जाता, बल्कि वहां वर्ब के आई एन जी को यहां पर यूज किया जाता है। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव को यहां पर लिया जाता है, पर उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं लिया जाता। यानी कुछ हिस्सा कॉन्टिन्यूस में से और कुछ हिस्सा परफेक्ट में से लेकर इस मिक्सचर को बनाया गया है, जो काम का चल रहा होना और एक लिमिट तक कंप्लीट होना दर्शाता है। जैसे पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टाइम का मेंशनिंग भी होता है, जिसे हम सिंस या फॉर से शो करते हैं। अब ये एक बार हम समझ लें कि कहां पर सिंस और कहां पर फॉर का यूज हो। सिंस का यूज एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम स्पान को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहें कि मैं बचपन से अपने दादाजी के साथ रह रहा हूं, यहां पर बचपन से एक पॉइंट है, तो हम उसे कहेंगे सिंस चाइल्डहुड। अगर आप कहें मैं पिछली दिवाली से इस कोचिंग क्लास में जा रहा हूं, तो पिछली दिवाली एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसलिए आप कहेंगे सिंस लास्ट दिवाली। पर अगर आप किसी टाइम को बता रहे हैं जो कि सर्टेन नहीं है कि कब से वो स्टार्ट है, कोई पॉइंट नहीं है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तब आप फॉर कहेंगे। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, फॉर 2 आवर्स, या मैं 2 दिनों से कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहा हूं, फॉर 2 डेज। इस तरह से होगा। अगर आप उसमें लास्ट वर्ड लगा देते हैं यानी पिछले 2 दिनों से, तो सिंस लास्ट 2 डेज हो सकता है। जैसे आप बचपन से एप्लीकेशन लिखते आते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात से बुखार है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम ऐसे टाइप की सेंटेंसेस को बनाते हैं जिनमें काम एक हद तक कंप्लीट हो चुका हो और अभी भी चल रहा हो। जैसे मान लीजिए हमारी छत पर
कोई वाटर पाइप लीक कर रहा है तो हम हिंदी में सेंटेंस को बनाएंगे तो कहेंगे कि पिछले दो दिनों से ये पाइप लीक कर रहा है। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा दिस पाइप, सब्जेक्ट की जगह पर पाइप आएगा इसलिए दिस पाइप। वर्ब के लिए हमें चाहिए, वर्ब के पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पर होंगी हैज़ बीन या हैव बीन। सिंगुलर है पाइप तो हैज बीन, और अगर पाइप्स हैं तो हैव बीन, यानी प्लूरल है तो हैव बीन। यहाँ पर दिस पाइप एक सिंगुलर नाउन है तो हम कहेंगे दिस पाइप हैज बीन, वर्ब के साथ आई एन जी, यानी लीक के साथ आई एन जी तो हो जाएगा लीकिंग। तो हमारा सेंटेंस होगा दिस पाइप हैज बीन लीकिंग सिंस लास्ट टू डेज, पिछले दो दिनों से, यानी हमने पिछले शब्द बोलकर इसमें एक पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगा देने पर पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए हमें सिंस बोलना होता है, इसलिए दिस पाइप हैज बीन लीकिंग सिंस लास्ट टू डेज हो जाएगा। अगर मैं कहूं मैं दो घंटे से खेल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि आई के साथ हैव होता है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लास्ट टू आवर्स, पिछले नहीं होकर सिर्फ दो घंटों से। कौन से दो घंटे ये नहीं पता, तो वहां पर फॉर लग जाएगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस हमें कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं। अगर आप इसमें वर्ब नहीं लगाएंगे तो किसी व्यक्ति का कुछ होना शो होगा, जैसे वो एक डॉक्टर रहा है तो हम कहेंगे ही हैज बीन अ डॉक्टर, यहां पर वर्ब नहीं है। अगर हम कहें वो इससे पहले एक अच्छा टीचर रहा है तो हम कहेंगे बिफोर दिस ही हैज बीन अ गुड टीचर। हैज बीन और हैव बीन से अगर कोई कुछ था और अब नहीं है तो आप बोल सकते हैं वहां पर वर्ब नहीं होगी। अब हम बात करें मॉडल्स की। हमने शुड को देखा था जो कि सलाह देने के लिए यूज होता है, और इसके अलावा कैन को देखा था जो कि एबिलिटी को शो करता है, किसी काम को कर सकना। उसी में हम कुछ पॉइंट को ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे अगर हम शुड के साथ हैव लगा दें तो ये एक नया मॉडल क्रिएट हो जाता है जो कि कहलाता है शुड हैव। और इसी तरह कैन की जगह पर हम देखें कुड जो कि है पास्ट टेंस। वैसे कुड जो है वो यूज होता है कैन की जगह पर सेंटेंसेस को नम्र बनाने के लिए, यानी पोलाइट बनाने के लिए, पर यहां पर हम कुड कैन के पास्ट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कैन से प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड से पास्ट की। पहले बात करते हैं शुड हैव की। आप जानते हैं अकेला शुड यूज होता है सलाह देने के लिए, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। ध्यान रखें जब आप शुड का यूज करें और चाहिए शब्द हिंदी में आए तो वहां वर्ब होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पेन चाहिए, आई शुड पेन। आपको वहां नाउन चाहिए, पेन एक नाउन है, तो आपको कहना होगा आई वॉन्ट पेन या आई वॉन्ट अ पेन। अगर आप किसी काम करने की सलाह दे रहे हैं तो आप कहेंगे शुड, यानी वहां वर्ब होनी चाहिए, जैसे स्टडी यू शुड स्टडी, या रन यू शुड रन, या वॉक यू शुड वॉक। यानी शुड से सलाह दी जाती है पर शुड के बाद वर्ब होती है। अगर हम शुड के बाद हैव लगा दें तो वो सलाह देने की बजाय अफसोस यानी रिग्रेट शो करता है, जैसे हम कोई काम जो करना चाहिए था हमें और हमने नहीं किया तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में तो आप कहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तब आप कहेंगे यू शुड हैव स्टडीड। याद रखें शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी स्टडी का स्टडी, स्टडीड स्टडीड, फॉर थर्ड फॉर्म क्या होगा स्टडीड। तो आपका सेंटेंस होगा यू शुड हैव स्टडीड। इसी तरह हम काफी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे तुम्हें वहां रुकना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड देयर। स्टे का थर्ड फॉर्म स्टेड यानी रुकना। या तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और नहीं बताया तो अब अफसोस हो रहा है कि बताना चाहिए था, तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे कहना चाहिए था या बताना चाहिए था। तो शुड हैव का यूज, जहां शुड का यूज एडवाइस देने के लिए होता है वहां शुड हैव का यूज रिग्रेट यानी अफसोस जताने के लिए होता है। ध्यान रखें शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात करें कुड की, कैन की जगह पर कुड, जब आप प्रेजेंट एबिलिटी बताते हैं तो आप कैन यूज करते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स।
कैन से आप कोई भी काम को करने की क्षमता बताते हैं, इसी तरह आप कुड कह सकते हैं जब आप कोई काम कर पाए या कर सके। वैसे तो कुड के कई यूज हैं, पर आज हम सिर्फ एक की बात करेंगे जो कि किसी काम को कर पाने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक जगह पर कोई कंपटीशन, कोई रेस कंपटीशन था और आप उसे जीत गए, तो आप कहेंगे आई कुड विन द रेस, यानी मैं रेस को जीत सका या जीत पाया। इस तरह आप कुड से वो सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आप पास्ट में सॉल्व कर पाए यानी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आपने उसको कंप्लीट करने की एबिलिटी थी। तो आप कुड से सेंटेंस बना सकते हैं आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम या आई कुड विन द रेस। इस तरह से आप कुड को पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं कैन की जगह पर। तो हमने देखा शुड से एडवाइस, शुड हैव से अफसोस यानी रिग्रेट, कैन से एबिलिटी और कुड से पास्ट एबिलिटी। हालांकि कुड को प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए, जैसे कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। यहां पर कुड पास्ट नहीं होता बल्कि प्रेजेंट ही होता है, यानी वर्तमान काल में ही यूज होता है। वो हर बार सेंटेंस को पास्ट नहीं बनाता बल्कि सिचुएशन के हिसाब से उससे पास्ट भी बन जाता है और प्रेजेंट भी। और कुड से प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना भी शो होती है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और आपने किसी से पूछा कि वो व्यक्ति कहां पर है, तो वो कह सकता है ही कुड बी एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर हो सकता है, यानी उसके स्टेशन पर होने की संभावना। यानी कुड से प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी शो की जाती है। इस तरह से वेरियस यूजेस हैं जो बोलकर प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएंगे। तो आप लिखकर और बोलकर इनकी प्रैक्टिस करें। कुड की प्रैक्टिस तीन जगहों पर करें, किसी भी काम को एबल होने पर पास्ट में, जैसे आई कुड विन द रेस, मैं रेस जीत सका। प्रेजेंट में नम्र यानी पोलाइट सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर फोन। और पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए, जैसे ही कुड बी एट द स्टेशन। तो इस तरह से कुड के कई यूज आप कर सकते हैं। शुड, शुड हैव, कैन और कुड, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और इसके अलावा प्रेजेंट के ऑल फोर टाइप्स यानी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप पिछली वीडियो सीरीज को देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। इन सब की प्रैक्टिस करें। आगे हम इसके बाद के टेंस यानी पास्ट टेंस को देखेंगे और कुछ और मॉडल वर्ड्स को समझेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।